हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट शेयर और इसके लेटेस्ट टारगेट के बारे में। पहले तो हम बताते हैं इंडिया मार्ट किस लिए इतना ज़्यादा फेमस है। इसका बिजनेस मॉडल इतना बढ़िया है, इसका जो QIP आया था 1000 करोड़ का, और इसके बारे में क्या बताएं। इतना इतना मतलब कि डिफरेंट सेक्टर में ये अपना बिजनेस मॉडल को डेसिपेट कर रहा है। दोस्तों, आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा रिटर्न आएगा आपका। 10 रुपीज़ पर शेयर का पिछले साल डिविडेंड दिया हुआ था। 33% लास्ट डे में भी इसका माल उठाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्वेस्टर का यहाँ कम हो ही नहीं रहा है। ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करने आ रहा है कि प्रमोटर को अपना होल्डिंग बेचना पड़ रहा है। 3.2% अपना होल्डिंग बेचना पड़ रहा है दोस्तों प्रमोटर को, और उसमें म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये देखो नया टारगेट दिया हुआ है 9400 का। और B2B बिजनेस है, इंडिया का अलीबाबा बोल सकते हो, अमेजोन बोल सकते हो, और ये सबसे भी बढ़िया बनने वाला है। अमेजोन का भी उतना ज़्यादा बिजनेस सेगमेंट नहीं होगा जो इसका बनने वाला है दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल के देख सकते हो टारगेट प्राइस दिया है 9000, जो कौन सा रुपीज़ पे दिया था, 7300 के टाइम पे 9000 का टारगेट दिया था। और मेरे तरफ से अगर आप टारगेट प्राइस मांगोगे तो मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, तो मिनिमम 16000 तो ये जाएगा ही जाएगा अगले एक महीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एक महीने के अंदर ये 16000 जाएगा। और क्यों मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये 3 महीना कंसोलिडेट होता है और 2 महीना भागता है। तो एक महीना तो आधा भाग चुका है जो 3% के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं 7500 से बोल रहा हूँ, तो 16000 ये 1 से 1.5 महीने के अंदर चला जाएगा दोस्तों। कार्वी कैपिटल के CIO बिजनेस मॉडल को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। और टिकट टेप में देख सकते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसके लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, डिविडेंड उतना अच्छा डिविडेंड देता है। इनसफिशियंट डाटा है, क्योंकि ये 2 ही साल हुआ है आपका लिस्टिंग हुए हुए, और AGM लिस्ट में भी नहीं है। एंट्री पॉइंट अच्छी है। सेक्टर PE की बात करें तो ये इसके लिए तो ये सेक्टर PE कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि ये जैसे अमेजोन हो गया, जैसे अलीबाबा हो गया, 63% एक्सपर्ट बोल रहे हैं बाइंग एंड करंट मार्केट प्राइस। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब स्टॉक नीचे आने वाला नहीं है, और ये स्प्लिट बहुत कम होता है। इसका 1 लाख 1.5 लाख इसका करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा, देखना 2-3-4-5 सालों में। तो टाइम फ्रेम एग्जैक्ट अगर 5-6 साल बाद अगर इसका 1.5 लाख भी करंट 1.5 लाख भी इसका मार्केट प्राइस होता है दोस्तों, चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका ये ऐसे स्टॉक में स्प्लिट और बोनस होता नहीं है दोस्तों। खास करके देखो कितना अच्छा नया एक चीज़ लॉन्च किया है जो पिछले दिन ही, कि आपका काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग करने के लिए जो भी रजिस्टर्ड होगा मेंटर, वो 2 लाख रुपीज़ पर आपका साल में देना पड़ेगा काउंसलिंग, और काउंसलिंग फीस है। और ये ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, हर यूनिवर्सिटी का हर एक सर, हर एक प्रोफेसर, हर कोई काउंसलर आके काउंसलिंग करेगा। तो ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, और ऐसा इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया मार्ट स्टार्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे आपको पड़ सकता है। और ये दूसरा एक वे है आपका रेवेन्यू को जनरेट करते हुए। और इंडिया मार्ट इंटरमेंस जैसे कि इनडायरेक्टली देखो कितने सारे सेगमेंट में आपको डिफरेंट जगह पे आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी और एक्वायर करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है। ये आप देख सकते हो सारे जगह पे, ऑटो सेक्टर से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके कोविड मास्क से लेके, आप गूगल में अगर सर्च भी करोगे कि कोविड मास्क, आई वांट कोविड मास्क, तो कोविड मास्क सप्लायर, तो सबसे पहले जो आपका जो सर्च इंजन में आएगा तो वो इंडिया मार्ट का ही होगा। इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना बड़ा इसका CEO का जो मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है, और आने वाला टाइम डिजिटल मार्केट का ही होने वाला है। मैं तो बोलता हूँ सर, अगर आप ज़्यादा पैसा इनकम नहीं करते हो तो आप SIP में, आप म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बाई कर सकते हो। ROC देख सकते हो 83%, रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो 50 डेज को ये 200 DMA में आया ही नहीं है जब से लिस्टिंग हुआ है, तो 50 डेज का DMA पे एक बार टच करके ये बाउंस बैक मारते हैं। कंपनी का 40% CAGR लास्ट 5 ईयर से है। स्टॉक ट्रेडिंग 59 टाइम्स, जो मायने नहीं रखता है ये सब स्टॉक के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर साल हर महीना इंक्रीज ग्रो अप हो ही रहा है।
2 महीना आपको ये कॉन्सोलिडेट होता है। CAGR 1 ईयर का 277% है, लास्ट ईयर का देखो 68% रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसा बिजनेस मॉडल आपके साथ डिस्कस करने में भी बहुत अच्छा आनंद आता है दोस्तों, कि ऐसा भी स्टॉक है जिसमें आपका आग बंद करके एक साल में 200% मिनिमम आएगा, मिनिमम 200% आएगा दोस्तों। अनाउंसमेंट अंडर देखो डिविडेंड देने वाला है, 29 को ये स्टॉक अनाउंसमेंट कर दिया है। मुझे लगता है कि 20 रुपये के आसपास पर शेयर का डिविडेंड दे सकता है, उससे भी ज़्यादा भी दे सकता है दोस्तों, मेरा एक एजम्पशन है, क्योंकि पिछले साल 10 रुपये पर शेयर का दिया हुआ था, तो इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो 20 रुपये दे सकता है, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और पॉजिटिव है मोजिला, पॉजिटिव है इसका ट्रेंड, टेक्निकल ट्रेंड। तो ऐसे वीडियो लाने के लिए सब्सक्राइब करो।